हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो टाइम है, अभी इवनिंग का टाइम है, मैं मिल्किंग करने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी अभी चारा काटा है उन्होंने, वो चारे को एक साइड लगा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो अब हमारी भैंसें होती हूँ, एक साइड पर जो अपना मलमूत्र है कर देती हैं, वो हरे चारे में उनका जो पेशाब चला जाता है, इस वजह से जो बफलो से हैं वो नहीं खाती है चारे को, जो पेशाब जा गोबर की जो स्मेल आने लगती है, इसीलिए साइड करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी है जहाँ पर ही हमारी मशीन लगी हुई है। अभी ये मैं लेकर जा रही हूँ दाना, ये कनक का आटा है। इसे मैं जो भैंसों के आगे चारा है उसे इकट्ठा कर कर उसे पर लगा दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी क्यों बोल रही हूँ। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे काफ़ी व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके लिए हिंदी में वीडियो बनाऊं, इसीलिए आज मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूं। मेरे एक व्यूवर्स हैं भूषण जी, उनकी रिक्वेस्ट से ही, वो गुजरात से हैं, कि दीदी प्लीज़ हमारे लिए हिंदी में वीडियो बनाएं एक बफलो मिल्किंग की। उन्होंने हमें परसों फ़ोन किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, दीदी प्लीज़ हमारे लिए वीडियो बनाएं। वो पिछले 5 से 6 महीनों से रेगुलरली हमारी वीडियो देख रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। भैंसों को अभी मैं दाना लगा दिया है, जे हमारे पास मेल काफ है, इसे भी मैं दाना लगा दूँगी। अभी जे ज़्यादा चारा नहीं खाता, सिर्फ थोड़ा ही खाता है। अभी जे अपनी मम्मा का दूध ही पीता है। मुझे बोलने में बहुत मुश्किल आ रही है कि मैं कैसे हिंदी बोलूं, क्योंकि हर इंसान जो उनकी मातृभाषा होती है उसी में बोलने में परफेक्ट होता है। मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। चलो जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम मिल्किंग करेंगे और देखिए हमारी जो भैंस है ये कितनी मुश्किल से हमें दूध देगी। आप वीडियो एंजॉय करें। सड़ंगा मारूंगी ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਧ ਕੱਲੀ ਬਸ ਫੇਰ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਟਾ ਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ हमारी जे वाली बफलो अभी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। पता नहीं कैसे अभी से जे कुछ दिनों से, 2-3 दिन से सलांगे लगाती है, बहुत मुश्किल से दूध देती है। दूध थनों में उतार तो लेती है लेकिन हमें निकालने नहीं देती। क्या करें अभी भाई, दूध तो निकालना पड़ेगा। ज़्यादा तंग नहीं करती, थोड़ा ही करती है, थोड़ी मुश्किल आती है दूध निकालने में। और उससे भी बड़ी मुश्किल आ रही है मुझे हिंदी बोलने में। मैं क्या करूँ, जो मुझे पंजाबी मेरे व्यूवर्स हैं वो समझ रहे होंगे मेरी हालत कैसी हो रखी है। भाई क्या करें, व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है तो माननी तो पड़ेगी। देखो कैसे पूंछ हिला रही है बार बार, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है दूध निकालने में।
चलो जी, एक बफलो की हमने मिल्किंग कर ली है, इसका दूध हमने निकाल लिया है। अभी हम करेंगे दूसरी बफलो की मिल्किंग। बाहर जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, क्योंकि इवनिंग को वो इकट्ठे होकर खेलते हैं सभी। रिपन भी बोल रहा है कि मम्मा मैं भी खेलने के लिए जाऊं। कभी कभी ये इकट्ठे होकर झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं खेलते खेलते। चलो अभी हम आपको बच्चे दिखाते हैं कि कैसे खेलते हैं। फुटबॉल से खेल रहे हैं अभी ये। रिपन का खेलते खेलते का जूड़ा खुल गया, अभी मैं उनका जूड़ा बांध रही हूँ। ये झगड़ा भी करके आया है अपनी सिस्टर के साथ। बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं जब ये इकट्ठे खेलते हैं। चलो जी, हम दूसरी बफलो की मिल्किंग कर लेते हैं। जो मेरे व्यूवर्स नए हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। वैसे तो ये एक पंजाबी चैनल है, मैं फर्स्ट टाइम ही हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। आपको अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलो जी, बेबी ने दूध पी लिया, इसे मैं बांध दूंगी। बहुत तंग करता है ये भी, बहुत मुश्किल से बांधती हूँ इसे मैं।
जब भी मैं मिल्किंग की वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे 2-3 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि आपकी मिल्किंग करने का जो तरीका है वो गलत है, आप जो आम सहलाते हैं ये हिलनी नहीं चाहिए जब हम मिल्किंग करते हैं। मुझे मालूम नहीं जी, मेरी मम्मी ऐसी मिल्किंग करते थे, उनसे ही मैं सीखी हूँ, ये ठीक है या गलत पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पिछले 15 साल से मिल्किंग कर रही हूँ और ऐसे ही करती हूँ। लो जी, मैंने इस भैंस का भी दूध निकाल लिया है, बफलो मिल्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सत श्री अकाल, बाय।